हाँ, ये कब कितना पुराना? 1933 में हाँ ये लिया गया स्थान है। अच्छा, कुछ जगह हमारी अपनी है, कुछ जगह लीज की। अच्छा, दोनों। मैं इस इंप्रेशन में था कि ये संघ मुख्यालय के अंदर होगा, लेकिन आप बोल रहे हैं ये बाहर है। जी नहीं, ये संघ मुख्यालय नहीं है। तो 1933 में ये जगह ली गई है। हाँ। संघ के जो कैंप्स वगैरह चलते हैं, हाँ, उसके लिए ये जगह ली गई है। अच्छा, उस समय ये डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नहीं थी। अच्छा, वो बाद में उसका ये हुआ। हाँ। और साधारणतः यहाँ पर जितने भी संघ के बैठकें होती है, मीटिंग्स होती है, हाँ जी हाँ जी, वो सब यहाँ होती है। अच्छा, जो नागपुर में विजयादशमी उत्सव हो तो इस बाहर के ग्राउंड में होता है। अच्छा, संघ शिक्षा वर्ग है तृतीय वर्ष का। अच्छा, वो यहाँ होता है। और संघ की बड़ी बैठकें, हाँ, जो संघ की इस नाते नागपुर में होती है, वो यहाँ होती है। हाँ। संघ की दृष्टि से इस और एक ये ट्रस्ट की जो एक हम ये लिए जाए तो डॉक्टर हेडगेवार जी का यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मकान है। अच्छा, वो मैंने उनका फोटो वो देखा था उसमें। हाँ, वो हाँ। भी संघ की ही यानी हेडगेवार स्मारक समिति के अंडर आता है। अच्छा, और तीसरा जो स्थान है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, हाँ, वो डॉक्टर संघ मुख्यालय इस नाते नाम से जाना जाता है, जहाँ संघ की पहली शाखा 1925 में लगी थी। अच्छा, वो स्थान है, लेकिन वो स्थान 1940 में खरीदा गया है। हाँ। और बाद में 1945-46 में वहाँ पे निर्माण हुआ है। अच्छा, और वहाँ पे केवल जो अधिकारी संघ के जो नागपुर में रहते हैं, हाँ, सरसंघ चालक है, सरकार्यवाह है, हाँ जी, या संघ के अखिल भारतीय अधिकारी आते हैं, हाँ, उनका निवास वहाँ रहता है। और अच्छा, संघ का कार्यालय इस नाते ऑफिस वर्क वहाँ से होता है। होता है, ठीक है। तो ये समाधि साल है, तो ये है, ये समाधि साल है। तो गुरुजी डॉक्टर जी दोनों ही समाधि का अंतिम संस्कार अपनी जगह पर हुआ है, यहीं पे हुआ है। अच्छा, और ये अभी जो देखा ही जाता है उसमें, हाँ, 1962 में बना है। हाँ। गुरुजी का तो बाद में 1973 में देहावसान हुआ, वहाँ पे हुआ है। हाँ जी, ताकि अन्य ये। हाँ। यहाँ पर एक सभागृह है जहाँ पे 1600 लोग बैठ सकेंगे संघ की दृष्टि से, वैसे 2000 का है। हाँ। और नीचे 1200 लोगों की भोजन की व्यवस्था, बैठ के भोजन कर सकते हैं। हाँ। तो काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। मैं तो केशव कुंज में दिल्ली में गया था एक बार, तो वो बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो वो तो अंदर डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति की यह ये जो बनी है उसका ये थोड़ी जानकारी आपको। हाँ जी, और यहीं पे वो अपने परम पूजनीय डॉक्टर जी और परम पूजनीय गुरु जी का अंतिम संस्कार इसी स्थान इसी स्थान पर हुआ था। और ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये गुरु जी परम पूजनीय गुरु जी का अंतिम संस्कार जहाँ हुआ है उसका स्थान। अच्छा। और गुरु जी की 1973 में उनकी गुरु जी का अंतिम संस्कार यहाँ पे जून 5 1973। और संस्कार के बाद जो अस्थियां विसर्जन जो है पूरे देश में, अस्थियां विसर्जन पूरे देश में हुई थी। और ये उनके आखिरी जो उनके शब्द हैं, उन्होंने जो पत्र लिखे थे स्वयंसेवकों को, उनका वो उनका आखिरी शब्द उनके जो है वो। ये तो कर काफी पिक्चर्स हमने देखा फोटो वगैरह में। ये सभी डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति की ये हॉस्टल में कितने लोग रह सकते हैं यहाँ पे? हॉस्टल नहीं है। हाँ। यह निवास व्यवस्था रहती है। अच्छा। 1200 लोग यहाँ निवास कर सकते हैं। संघ की दृष्टि से यहाँ पे जब कैंप होते हैं या कोई बैठकें होती है तो 1200 लोगों का निवास इसमें हो सकता है। और ये ऑडिटोरियम सभागृह है, कितने इसमें लोग? 1600 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा वो सभागृह है। अच्छा, उसके नीचे ही 1200 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था।
सफाई आप काफ़ी अच्छी रखी हुई है, बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ। ये डॉक्टर जी की समाधि है, ये वो स्थान है जहाँ पर प्रमुख जी ने डॉक्टर जी का अंतिम संस्कार किया था 1940 में, 21 जून 1940 का। 1962 में यह जो अभी का स्मृति मंदिर है उसका निर्माण किया गया। और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? ये स्वयमेव मृगेंद्रता, हाँ, सिंह स्वयं राजा होता है, सिंह स्वयं ही राजा होता है, स्वयं ही राजा होता है, यह राष्ट्रीय संशोधन संघ का लोगो है। अच्छा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बस ठीक है, आप चलना यहाँ से।